नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। फटाफट की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली कोरोना संक्रमण के हालात में सुधार। पिछले 24 घंटे में राजधानी में सबसे कम 68 मौतों के अलावा लगातार दूसरे दिन नए मरीजों का आंकड़ा 5,000 के नीचे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 39,036 नए मामले आए सामने। कोविड के चलते 444 मरीजों की मौत, जबकि 42,298 मरीजों के इलाज के बाद लौटे घर। राजधानी में कोरोना कहर के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में सस्ती होगी RT-PCR की जांच। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, धरना स्थल पर बनाएंगे झोपड़ियां। आंदोलन के लिए 26 जनवरी तक डटे रहेंगे। दिल्ली चलो मार्च के आह्वान पर सिंधु टिकरी व गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार चौथे दिन डटे रहे किसान। किसानों को सरकार के नए प्रस्ताव का इंतजार। संदर्भ में अमित शाह से मिले कृषि मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। देव दीपावली उत्सव का पहला दिया प्रज्वलित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ केस लड़ने वाले वकील का निधन। रोड एक्सीडेंट में हुए थे घायल, करीब एक साल से चल रहा था इलाज। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा बाज। जम्मू कश्मीर के पूंछ में नियंत्रण रेखा के पार नजर आया पाकिस्तानी लड़ाकू विमान। भारतीय सुरक्षा बल हुए सतर्क। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 8 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद की गई हत्या। पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए कई लोग। इसी तरीके के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें लाइव 24।